देखो जियो का पेट्रोल पंप हो चुका है शुरू। ये दिक्कत मैं पिछले कुछ टाइम से फील कर रहा हूँ भाई, कुछ दिक्कत हो गई है पीछे। और सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए भी हमें थोड़े से अपग्रेड करने की जरूरत लग रही है। हाफ साइड रोड पे सुखा रहे हैं, इस बार तो ज्यादा ही गलत सीन हो गया है, वही एक्सीडेंट हो गया शायद से। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। गाइस अभी हो रहे शाम के 7, आज हम लोग काफी लेट राइड पे निकले हुए हैं क्योंकि फिलहाल के टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो घर से निकलने का मन ही नहीं होता है। 5 बजे तो भाई बिल्कुल ही मन नहीं होता निकलने का। कल भाई हम लोग कहीं भी नहीं गए थे, कल बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। अभी कराते हैं भाई फ्यूल अभी भी कम है। कानपुर से आने के बाद अपना नदरी का चक्कर ही नहीं लगा है, वरना टैंक फुल करा लेता मैं रिलायंस से। अभी फिलहाल आज के लिए डला लेते हैं थोड़ी सी। कार्ड ले लोगे? 310 की डाल दे रहा। ये देख रहे हो मक्का अभी तक हटी नहीं है, ये 4-5 दिनों से ऐसे ही हाफ साइड रोड पे सुखा रहे हैं। आधा रोड तो ब्लॉक कर रखा है। अभी आगे आपको और भी लोग दिखेंगे जो ऐसे रोड पे मक्का सुखा रहे हैं। ये बाइक चलती है उस टाइम तो गर्मी नहीं लगती ये जैकेट वगैरह में, लेकिन जैसे ही आप 5 मिनट खड़े हो गए उसके बाद इतनी भयंकर गर्मी लगती है, अंदर टी शर्ट जो पूरी भीग जाती है पसीने से। घर से निकलने के बाद मन नहीं करता कि कहीं भी रुक जाओ, बस चलते रहो। ये देखो भाई फिर से दिख गए ऐसे ही लोग। भाई हमने, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने को हेलमेट चेंज करना पड़ेगा। ये जो हेलमेट है ये मैंने लिया था भाई आज से 3 या 3.5 साल पहले करीब लिया होगा मैंने। ठीक ठाक हेलमेट है, ऐसी कोई दिक्कत लगी नहीं, लेकिन कुछ टाइम से मुझे क्या दिक्कत लग रही कि जैसे विंड ब्लास्ट जब ज़्यादा होता है ना तो हेलमेट एकदम चिपक जाता है अंदर। इसके हेलमेट की जो चेन है वो मेरी चेन से बिल्कुल चिपक जाती है, तो बिल्कुल भी गैप नहीं बचता भाई मुंह और हेलमेट के चेन के बीच में, तो थोड़ा सा रिस्की लगता है मुझे। और मतलब ऐसे पीछे भाग जाता है, जब भी हवा का प्रेशर आता है तो पीछे भागता है और पता नहीं भाई क्या होता है एकदम सर में दर्द सा होने लगता है। ये दिक्कत मैं पिछले कुछ टाइम से फील कर रहा हूँ। और सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए भी हमें थोड़े से अपग्रेड करने की ज़रूरत लग रही है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ एग्जॉर या फिर एम्प्टी हेलमेट से कोई एक हेलमेट पिक किया जाए। तो डिज़ाइन वगैरह मैं भी देख रहा हूँ, जो भी डिज़ाइन पसंद आता है उसके बाद जल्दी जल्दी ऑर्डर मारते हैं और अपग्रेड करते हैं अपने हेलमेट को। ग्लव्स भी मैं अपग्रेड करने की सोच रहा हूँ, इनमें भी कोई खास अच्छी प्रोटेक्शन है नहीं, लेकिन भाई बजट के हिसाब से बहुत अच्छे ग्लव्स हैं। अगर किसी को 600-700 रुपये में ग्लव्स चाहिए तो आँख बंद करके ये स्टड्स के SMG2 ग्लव्स ले लें। जब ये मैंने लिए थे तब 600 रुपये के थे, अभी ये फिलहाल इनके रेट बढ़ चुके हैं तो 800 रुपये के हो गए, तो 600-700 रुपये के बजट में भाई ये बहुत सही ग्लव्स हैं, तो मतलब कम्फर्टेबल, कोई भी दिक्कत नहीं लगती इनमें। भाई जियो का पेट्रोल पंप हो चुका है शुरू, पता नहीं जियो और क्या क्या करने वाला है। नगरिया से हमें अनुज मिलने वाला है, ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे छिला तक, लॉन्ग राइड मारने का मन है आज। तो रो तक भाई पता ही नहीं चलता कब राइड शुरू हुई कब राइड खत्म हो गई। भाई अब ऐसा लग रहा है कि हेलमेट में ये ब्लैक वाला वाइजर निकाल के ट्रांसपेरेंट वाला वाइजर लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम डेली ही लेट हो जाते हैं और शाम हो ही जाती है, चाहे कितना भी जल्दी कर ले, जल्दी करते हैं तो धूप मिलती है, थोड़ा सा धूप को जाने देते हैं तो लाइट कम मिलती है। तो अभी मैं आज घर जाके ये ब्लैक वाला वाइजर हटा के ट्रांसपेरेंट वाला वाइजर लगाऊंगा, क्योंकि वाइजर खोल के चलाओ तो विंड बहुत ज्यादा आती है, आवाज क्लियर नहीं आएगी आपको और मच्छर भी लगते हैं। हम भी थोड़ा सा आगे निकलते हैं, आगे भाई रोड पे ठंडक मिलने वाली है, आगे काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं रोड के दोनों साइड। भाई पैरों में इतनी ज्यादा गरम गरम हवा लग रही है, पूरे बॉडी पे कहीं नहीं लग रही है, पैरों पे गरम गरम हवा लग रही है, पूरी बॉडी कवर है, हाथों में ग्लव्स है, जीन और शूज के बीच में जो जगह खाली रह जाती है वहां लग रही है एकदम गर्मा गर्म हवा। सो गाइस अनुज ने यहीं पे मिलने के लिए बोला था, लेकिन ब्लू आर्बन 5 कहीं दिख नहीं रही, फोन करना। कहाँ पे हो? अरे भाई ये मील के सामने खड़ा हूँ। तुमने बोला था वहाँ पे मिलोगे, यहाँ चाय पी थी पहले। ठीक है, अनुज बोल रहा है कि आगे है, पहले से बोला था कि यहाँ पे मिलने वाला है। भाई कुछ दिक्कत हो गई है पीछे। भाई पीछे लड़ाई हो गई, कुछ सीन हो गया शायद। गाइस अभी हम लोग आगे जा रहे हैं कचला तक, और हो सकता है हमें कचला की गंगा आरती देखने को भी मिल जाए। मैं लास्ट टाइम यहाँ पे सर्दियों में आया था, टाइम यार मैं भूल गया हूँ, 7:30 या 8 बजे की टाइमिंग है, तो लगभग 8 बजने वाली है। अगर 7:30 बजे की टाइमिंग होगी तो फिर नहीं देखने को मिलेगी, अगर 8 बजे होती होगी तो हमें देखने को मिल जाएगी। ओ भाई
तो भाई पीछे ना आरती चल रही है, तो शायद से 7:30 बजे की टाइमिंग है आरती होने की। तो भाई आरती ना चल रही है और हमारे बाकी के दो राइडर्स पता नहीं कहाँ रह गए, पीछे रह गए, तो अभी चलते हैं ऊपर। आरती ना स्टार्ट हो चुकी है और अभी मैंने भैया से पूछा तो भैया ने बताया आरती की जो टाइमिंग हुआ 7:30। गाइस आरती हो चुकी है और आरती होने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे देख रहे हो कितनी अच्छी लाइटिंग की हुई है, और लास्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पे आए थे गंगा आरती देखने के लिए तो वही यहाँ तक पानी भरा हुआ था, अभी तो देखो सूखा सूखा पड़ा है। तो गाइस अभी ना मैं यहाँ रुक रहा हूँ क्योंकि शिवम और अनुज पीछे रह गए, जाते टाइम में पीछे रह गए थे, आते टाइम भी पीछे रह गए भाई। अभी पीछे रहे बहुत ही गहरा गड्ढा आया था और अपनी नंबर प्लेट ना भाई फिर से मुड़ चुकी है। अभी आगे रोक के देखते हैं क्या हाल हुआ है। अरे भाई ये क्या हुआ है इस बार, इस बार तो ज्यादा ही गलत सीन हो गया है। निकाल के रख दूं क्या या ऐसे ही रहने दूं? ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ भाई। अपनी नंबर प्लेट के अंतिम दिन आ चुके हैं, अभी ना अपने को दूसरी HSRP नंबर प्लेट ऑर्डर करनी पड़ेगी। मुड़ मुड़ के बिल्कुल बेकार हो चुकी है भाई, देख रहे हो बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। अभी लाइट वाइट जल रही थी, अब सब बंद कर दी। तो गाइस हम लोग सोरो पहुंच चुके हैं और भाई यहाँ पे लगा हुआ है फाटक, तो अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा ट्रेन आने का। इन दोनों भाई साहब ने तो फाटक के नीचे से निकाल ली बाइक, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, काफी रिस्की रहता है ये, तो ऐसा भी ट्राई कर रहे हैं निकालने की। सो अभी टाइम हो रहा है 8:55, तो गाइस ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा, ट्रेन आ चुकी है, बस 2 मिनट लगे हैं। अभी जल्दी जल्दी फाटक खुल जाएगा, यहाँ खड़े होने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अभी राइडिंग जैकेट हम लोगों ने पहनी हुई है, जब बाइक खड़ी हो जाए उसके बाद राइडिंग जैकेट पहन के बैठा नहीं जाता, बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है। अब आगे खोलने वाले भाई, तो गाइस आज ना हम लोग काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं घर जाने में, 9:15 हो चुके हैं। आपको देखो ट्रक ही ट्रक देखने को मिलेंगे क्योंकि भाई दिन में तो एंट्री बंद होती है ट्रक्स की, देख रहे हो कितनी खाली खाली रोड आपको देखने को मिल रही होगी। ओ भाई वही एक्सीडेंट हो गया शायद से, तो भाई एक सांस में बहुत सारी गाली दे डाली। तो गाइस आज के ब्लॉग को करते हैं पे एंड, बाकी आपसे मिलते हैं कल सुबह एक और नए फ्रेश ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।